कल की कार्रवाई में कुल 25 लोग गिरफ्तार हुआ था, जिसमें जो इन लोगों ने अपने समितियां बना के रखी हुई हैं, जिनका कोई पंजीकरण नहीं है, जिनका कोई प्राधिकार नहीं है, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। नहीं, ये जो बचा हुआ अतिक्रमण है 40 एकड़ की ज़मीन में, उसको आज हटाया जा रहा है, और जो कुछ 4-5 आवासीय भवन थे उनको कल हम लोगों ने सूचना और चेतावनी दे दी थी और वो लोग ऑलमोस्ट खाली कर दिए हैं, तो उसको लेकर के आज अभियान चल रहा है। धारा 144 लगाई गई है और आज भी वीडियोग्राफी के माध्यम से और फोटोग्राफी जो कल हमारी तरफ से हुई थी, जो भी बलवाई हैं, उपद्रवी हैं, उनमें से बहुत से लोगों को चिन्हित किया गया है और उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे 144 की निषेधाज्ञा लागू है और कल हम लोगों ने माइकिंग भी करवाया है, आज सुबह भी माइकिंग करवाई है कि अगर कोई 5 आदमी की प्रयोजन से यहाँ पे जमा होगा, साथ के साथ हम उनको गिरफ्तार करेंगे और जेल भेजेंगे। दूसरा दिन है और 144 लागू कर दिया गया है, किस तरह का इंस्ट्रक्शन आपके लेवल पर? नहीं, ये जो बचा हुआ अतिक्रमण है 40 एकड़ की ज़मीन में, उसको आज हटाया जा रहा है और जो कुछ 4-5 आवासीय भवन थे उनको कल हम लोगों ने सूचना और चेतावनी दे दी थी और वो लोग ऑलमोस्ट खाली कर दिए हैं, तो उसको लेकर के आज अभियान चल रहा है। धारा 144 लगाई गई है, 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। सुबह कुछ लोगों ने वायलेशन किया है, उस पर FIR दर्ज किया जा रहा है और हम लोग बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और पूरी तरह से ये अवैध है, किसी के पास कोई कागज़ नहीं है और भू माफियाओं के चक्कर में ये लोग कड़ करके और इस प्रकार की स्थिति पैदा किए हैं। और अभी जो अस्थाई बाउंड्री वाल है, उसको हम लोग जो है नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अस्थाई अतिक्रमण में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम लोग अभी हटाएंगे। और घर जो अलाइनमेंट में आ रहे हैं, अगर कुछ नए घर आ रहे हैं तो उनको हम लोग नोटिस देके बकायदा सुनवाई का मौका दे करके, उनका कागज़ देख करके, उनका पक्ष सुन करके जो उचित होगा वो निर्णय करेंगे। कितने लोग टोटल अरेस्ट किए गए? अभी 26 लोग अरेस्ट हुए हैं कल, उसमें एक महिला हैं, बाकी पुरुष हैं। और हम लोग अभी वीडियो फुटेज और जो कॉल डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप जो चैटिंग है, उसके आधार पर जो इसके पीछे लोग हैं उनकी पहचान कर रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। कल की कार्रवाई में कुल 25 लोग गिरफ्तार हुआ था, जिसमें जो इन लोगों ने अपने समितियां बना के रखी हुई हैं, जिनका कोई पंजीकरण नहीं है, जिनका कोई प्राधिकार नहीं है, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और आज भी वीडियोग्राफी के माध्यम से और फोटोग्राफी जो कल हमारी तरफ से हुई थी, जो भी बलवाई हैं, उपद्रवी हैं, उनमें से बहुत से लोगों को चिन्हित किया गया है और उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर 144 की निषेधाज्ञा लागू है और कल हम लोगों ने माइकिंग भी करवाया है, आज सुबह भी माइकिंग करवाई है कि अगर कोई 5 आदमी की प्रयोजन से यहाँ पे जमा होगा, साथ के साथ हम उनको गिरफ्तार करेंगे और जेल भेजेंगे। और अभी स्थिति शांतिपूर्वक है, अतिक्रमण जो हमारा ड्राइव है, डेमोलिशन स्क्वाड्स, उनके साथ भी फोर्स है और शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम लोग FIR करा रहे हैं, उसमें नेम्ड FIR होगा।